सो हे गाइस वेलकम बैक. सो 10th मैक आफ्टरनून शिफ्ट का एनालिसिस ये रहा आपके सामने. और हाँ, ये जो एनालिसिस है वो वही स्टूडेंट्स, वो मैंने स्टूडेंट के फीडबैक से लिया है जिन्होंने एक्चुअली पेपर दिया था कॉल या टेलीग्राम मैसेज के द्वारा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो 10th मैक आफ्टरनून शिफ्ट का एनालिसिस है. ठीक है, तो जो मेन थिंग इज दैट कि जो 10th मैक का मैथ्स था वो हार्ड लेवल का आया था वापस से. क्वेश्चन लेंथी थे और ट्रिकी थे. ठीक है, और कुछ स्टूडेंट का मानना ये भी है कि लाइक वो क्वेश्चन की लेवल वो जेई की लेवल की थी लाइक. और हाँ, एक ने ये भी बताया कि जो क्वेश्चन आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस भी आया था. एक जैसे कि सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया था जो जेई सिलेबस में है, बट आई गेस वो 11th 12th के सिलेबस में नहीं है या फिर सीट के सिलेबस में नहीं है. ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस एक ही क्वेश्चन आया था जो आउट ऑफ सिलेबस था लाइक, वो सेट से आया था. ठीक है, और कैलकुलस का वेटेज है वो इस बार भी बहुत ज़्यादा था. जैसे कि फंक्शन की बात की जाए, कंटिन्यूटी की बात की जाए, लाइक उनका वेटेज ज़्यादा था. कंटिन्यूटी से दो क्वेश्चन आए थे और फंक्शन से भी आई गेस एक से दो क्वेश्चन आया था. ठीक है, ये भी काफ़ी कोर करने वाली बात है. और इजी टॉपिक भी साथ में आए थे लाइक, ये नहीं किसी पूरा पेपर ही हार्ड आया था. इजी टॉपिक जैसे कि लाइक लॉजिक में से एक दो क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिकल लॉजिक में से एक दो क्वेश्चन आए थे. ठीक है, या फिर मैट्रिक्स का हो गया, उसके भी एक आध दो क्वेश्चन आए थे. ठीक है, और पार्शियल वेटेज दिखा गया है इस पेपर में लाइक. जो हार्ड टॉपिक भी जैसे कि अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए, इंटीग्रेशन में भी लाइक जो चार से पाँच क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन के. ठीक है, उसमें से भी जो एक से दो क्वेश्चन थे वो ईजी थे और बाकी दो क्वेश्चन हार्ड थे. ठीक है, ऐसे पार्शियल वेटेज आपको पेपर में दिखने को मिल सकता है. ठीक है, तो यही टिप देना चाहूँगी, अगर आपका शिफ्ट पेपर बाकी है. ठीक है, तो ये मत समझना कि इंटीग्रेशन है तो पूरा ही हार्ड आएगा. इंटीग्रेशन में भी दो क्वेश्चन आएंगे जो ईजी आएंगे, दो क्वेश्चन हार्ड आएंगे. ठीक है, पूरे पेपर में लाइक पूरा ही पेपर आपको हार्ड नहीं मिलेगा मैथ्स के बारे में बात की जाए तो. ठीक है, उसमें भी जो भी ईजी टॉपिक आपको ईजी टॉपिक पहले ढूंढना है, उन्हें टिक करना है. आप ये भी मत नहीं कर सकते पेपर के ऊपर कि पूरा पेपर ही हार्ड आया था. कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी थे पेपर में. ठीक है, ये भी नोट करने लायक बात है. ठीक है, और केमिस्ट्री एज यूजुअल वेरी इजी था. केमिस्ट्री में जो पी वाई क्यूज थे वो भी काफ़ी रिपीट हो चुके थे. और मैथ्स फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स भी मॉडरेट लेवल का आया था. 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे. जैसे ये फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, यही था क्वेश्चन में. लाइक मैंने आफ्टरनूनशिप में बताया कि 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड आए थे. ठीक है, तो आपको जो हार्ड क्वेश्चन आए उस पर नोटिस नहीं करना है. जो मेनली इजी क्वेश्चन आए आपको उन क्वेश्चन पे फोकस करना है, उनसे आपको मार्क्स लेना है. ठीक है, पीवाईक्यूज भी रिपीट हुए थे और शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन और कंसेप्ट वो भी रिपीट हुई थी. लाइक कल के शिफ्ट के क्वेश्चन भी इस बार आए थे लाइक, क्वेश्चन नहीं बट कंसेप्ट आपको आई थी. वैल्यू वगैरह चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके शिफ्ट में, तो ये भी क्वेश्चन लाइक ये भी बात आप नोटिस कर सकते हो. ओवरऑल ये शिफ्ट की लेवल जो थी वो प्रीवियस जो तीन शिफ्ट थी उनकी इक्विवेलेंस थी. तो कुछ नया अपने को देखने नहीं मिला इस शिफ्ट में भी. सो या ये थी वो आफ्टरनून शिफ्ट की एनालिसिस. होपफुली आपको इससे कुछ हेल्प मिला होगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हिट द लाइक बटन इफ यू आर न्यू टू चैनल एंड गो एंड सब्सक्राइब डाउन बिलो आदित्य सीवीपी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड मोर अपडेट यू मे जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू मे चेक इट राइट नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.